heavy snowing and the water from the roof, which is like the snow which is melting, we are taking it and we are going to drink it. And you can see that how much unhealthy and unhygienic it is right now. बहुत बड़ी ब्लास्ट हुई है इधर, लग रहा है आ रहा है क्या? शहर का आवाज आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, वहां गिरा है शायद। कब 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 शेल्टर्स ब्रो, शेल्टर शेल्टर्स, गो गो शेल्टर्स शेल्टर शेल्टर्स। अब हम लोग पानी, बिना पानी का, लाइट नहीं है हॉस्टल्स में, बिना लाइट का, पैसा नहीं है पॉकेट में, बिना पैसे का हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये बर्फ में हम लोग कैसे जाएंगे यहाँ से, इतनी बर्फ में हम लोग कैसे जाएंगे? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रतिबंधों के असर और परमाणु खतरे की खबरें तेजी से बदल रही हैं। इन खबरों से दुनिया को चौकन्ना किया जा रहा है कि युद्ध कभी भी विनाश से महाविनाश की तरफ मुड़ सकता है। आज भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अभी भी 7,000 भारतीय छात्र या नागरिक यूक्रेन में फंसे हैं। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय फंसे हों और आसमान से बम गिर रहे हों, उनकी हालत से ध्यान नहीं हटा सकते। गुरुवार की रात सुमी शहर में जब बमबारी होने लगी, तब छात्रों ने संदेश भेजना शुरू कर दिया कि चारों तरफ अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं अगली सुबह देखेंगे भी या नहीं। सुमी मेडिकल यूनिवर्सिटी में शुक्रवार दोपहर के बाद तक पानी नहीं आया तो प्यासे छात्रों का सब्र टूट गया। वे बाहर जाकर बर्फ बटोरने लगे ताकि भीतर लाकर कढ़ाई में उसे पिघला सकें और फिर पी सकें। गोदी मीडिया ढिंडोरा पीट रहा है कि भारत विश्वगुरु बन गया है, छात्रों के पास यहाँ पानी नहीं। You can see that it's heavy snowing and the water from the roof, which is like the snow which is melting, we are taking it. 3 मार्च की रात से पानी की सप्लाई बंद है, बिजली नहीं है कि टैंक का पानी गर्म कर पी सकें, वो पीने लायक भी नहीं है, बोतल का पानी खत्म हो गया है। And we are supposed to drink this water because we don't have any water supply. Please help us. Help us. हमें कल एनजीओ यहाँ पे जो थे, ये लोग खाने होने का इंतजाम तो कल मुझे अच्छा से मिला था, पर सर अभी पानी का बहुत ज्यादा क्राइसिस है। कल से ही हमें पानी नहीं मिल पाया है और हम कुकिंग नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं बना पाए। इवन हमने कॉफी भी नहीं पी रखा है और लाइट का भी क्राइसिस है, यहाँ पे पानी का क्राइसिस है। सर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग इस हॉस्टल में 500 बच्चे के आसपास है। इसमें 2 बोतल हमें पानी मिला था, उसके बाद सारे खत्म हो गए हैं हॉस्टल के तरफ से। और ये हमारे जो हॉस्टल के मैम लोग हैं, उन्होंने दिया था। यह हालत बता रही है कि सुमी में फंसे भारतीयों को लेकर 1 मिनट की देरी नहीं की जा सकती। उन्हें पानी नहीं मिल रहा, वे प्यास से तड़प रहे हैं। रूस ने 24 फरवरी को हमला करते वक्त बयान दिया था कि नागरिकों पर हमला नहीं हो रहा है, लेकिन नागरिक खाने और पीने के लिए तरस जाएं, ये पूरी तरह से नागरिकों पर ही हमला है। 4 मार्च की दोपहर तक जब सुमी के भारतीय छात्रों ने देखा, कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, तो हम एक होप वर्ड के जरिए ही अभी तक यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। वी आर स्टिल होपिंग कि हमारी कोई मदद की जाए। वे एक हॉल में जमा होने लगे ताकि देश को दिखे कि इन छात्रों को बचाया जाना जरूरी है। सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के ये छात्र इस हॉल में आ गए ताकि एक जगह जमा होकर वो अपनी इस बात मीडिया और सरकार के सामने और सुपर पावरों तक भी पहुंचा सके। पिछले 9 दिनों से हॉस्टल से बंकर, बंकर से हॉस्टल भागते भागते इनका हौसला अब जवाब दे रहा है। 3 मार्च की रात बमबारी ने इन्हें हिला दिया है, इनका धीरज जा रहा है। इस हॉल में जमा छात्र बताना चाहते हैं कि उनकी संख्या कई 100 में है, देखने वाले देख लें और उन्हें यहां से निकालने के लिए तत्काल कुछ करें, देर ना करें। मिनिस्टर वगैरह और एम्बेसी से हमारी किसी से भी कोई खासकर बातचीत नहीं हो पा रही है। हम एम्बेसी से टच में रहना चाहते हैं पर एम्बेसी कॉल रिसीव नहीं कर रही है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है अब हमारा हेल्प कैसे किया जाएगा। यहाँ पे जो इजिप्ट के स्टूडेंट हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर और उनके जो एम्बेसी है, आज उन्हें इवैक्यूएट करेगी। सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के कई छात्रों ने कहा कि नाइजीरिया और इजिप्ट के छात्र हॉस्टल से जा रहे हैं। छात्रों ने नाइजीरियाई छात्रों से पूछा कि आप लोगों को कौन यहां से लेकर जा रहा है,
किस रास्ते से जा रहे हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र में नाइजीरिया और इजिप्ट दोनों ने रूस के खिलाफ मतदान किया है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे हॉस्टल में नाइजीरियन लोग भी अभी जाने वाले हैं, क्योंकि इनका टाइम है, इनकी जो मतलब गवर्नमेंट है इन्होंने ऑर्डर दे दिया है इनको जाने के लिए, और हमारी गवर्नमेंट, हम 800 लोग हैं और हम यहीं पे अभी तक फंसे हुए हैं, और इजिप्शियंस भी आज 12 बजे चले जाएंगे यहाँ से। भारत सरकार को पता लगाना चाहिए कि इजिप्ट और नाइजीरिया के छात्र इस हॉस्टल से कैसे निकले हैं, किनकी मदद से निकले हैं, ताकि उस रास्ते से सूमी में फंसे छात्रों की मदद हो सके। गुरुवार की रात रूस के हमले ने इन छात्रों को कहीं ज्यादा डरा दिया है। हमले की रफ्तार और बारंबारता इतनी अधिक थी कि छात्रों को लगा कि अब उनका बंकर भी सुरक्षित नहीं। हमला होते ही शहर में बिजली चली गई, अंधेरा छा गया, पूरी सूमी की लाइट चली गई। भाई पूरी सूमी की लाइट चली गई, अभी ब्लास्ट हुई बहुत बड़ी, पूरी सूमी की लाइट चली गई भाई। देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी ब्लास्ट हुई है। इधर लग रहा है आ रहा है क्या? शहर का आवाज आ रहा है। नहीं नहीं, वहाँ गिरा है शायद। हाँ हाँ, कहीं इधर अटैक हो जाए भाई। लग रहा है अपनी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग पे गई है, सुमी वाले बिल्डिंग पे गई है, लग रहा है लंबी वाली बड़ी वाली बिल्डिंग पे लग रहा है गई है। हाँ, कब 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 कब? शेल्टर्स ब्रो, शेल्टर्स शेल्टर्स, गो गो शेल्टर्स शेल्टर्स शेल्टर्स। भूषण भाई, भाई बहुत तगड़ी है भाई। अभी ब्लास्टिंग हुई है दो घंटे पहले, और हम पानी के लिए आए हैं। जैसे उधर से शेल्टर से आ रहे हैं तो देख रहे हैं अभी वॉशरूम तेज लगी हुई है, बट नलके में पानी है ही नहीं, पानी है ही नहीं नलके में। आप नीचे करके थोड़ा दिखाइएगा, दिखा दीजिए थोड़ा इधर में, देख लीजिए पानी नलके में आ ही नहीं रही है। अभी ब्लास्ट के बाद पानी बिल्कुल गायब है नलके में, इस नल में भी पानी नहीं आ रहा है। थोड़ा नीचे करके दिखाइएगा, इसमें भी पानी नहीं आ रहा है, ये भी एकदम से ये है। इधर नल है, इसमें भी पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। नीचे करके दिखाइएगा, इसमें भी पानी नहीं आ रहा है। देखिए अब हम लोग बिना पानी का, लाइट नहीं है हॉस्टल्स में, बिना लाइट का, पैसा नहीं है पॉकेट में, बिना पैसे का हम लोग क्या करेंगे? अब देख सकते हैं यहाँ पे कल रात से पानी जो गई हुई है, अभी तक पानी नहीं आ रही है। अभी तक चेक कीजिए, अभी तक देख सकते हैं अभी तक पानी नहीं आ रही है, और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड भी है। और हम लोग वॉशरूम के लिए पानी ये कर रहे हैं, पानी नहीं आ रही है। कुछ पीने के लिए पानी गर्म करना था, क्योंकि बैक्टीरियल वाटर है, ऐसे डायरेक्टली पी नहीं सकते, तो पानी नहीं है कि हम लोग पिए। अब वॉशरूम टॉयलेट जाने के लिए पानी नहीं है, किसी नल में पानी नहीं है। छात्रों का कहना है कि सूमी में बसें और ट्रेनें नहीं चल रही हैं। उन्हें पता नहीं कि सड़क पर निकलना कितना सुरक्षित है या नहीं, और कितनी दूर तक पैदल जा सकते हैं। घर में रहना भी अब जानलेवा होता जा रहा है। हम लोग इस बर्फ में पैदल या फिर कैसे कैसे निकल करके जाएंगे यहाँ से खारकीव भी सेम डिस्टेंस है जितना क्यू डिस्टेंस है। यहाँ से 3-4 घंटा लगेगा हम लोग को दोनों जगह को क्रॉस करके बॉर्डर की तरफ जाने में। यहाँ से हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है, दोनों ही रास्ता है, खारकीव जाना पड़ेगा या फिर हम लोग को क्यू जाना पड़ेगा। ये दोनों 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 को बिना क्रॉस किए हुए हम लोग बॉर्डर तक नहीं पहुंच सकते हैं, ना ही हंगरी बॉर्डर तक, ना ही पोलैंड बॉर्डर तक, ना ही रोमानियन बॉर्डर तक। ये दोनों सिटी को क्रॉस करना पड़ेगा, और इन दोनों सिटी में बहुत ज़्यादा तूफान है, बहुत ज़्यादा बमबारी गोलीबारी बहुत ज़्यादा हो रही है, टैंक रोड पे है, इतनी सारी परेशानी है। इस माइनस टेम्परेचर में हम लोग 20-25 किलोमीटर चल करके जा नहीं सकते हैं। छात्रों के पास मनोबल ही बचा है, लेकिन इसके दम पर वे 1400 किलोमीटर पैदल चलकर रोमानिया या हंगरी नहीं जा सकते हैं। फैसल ने बताया कि यूक्रेन की सेना ने ही रूसी टैंकों को रोकने के लिए रास्ते के सारे पुल ध्वस्त कर दिए हैं, इसलिए सरकार की पहल से ही इन छात्रों को यहां से निकाला जा सकता है। आप देख सकते हैं टेम्परेचर माइनस और ज्यादा बढ़ रहा है, और आपको एक बार दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए कितनी ज्यादा फिर से ठंड बढ़ गई। देखिए ये बर्फ में हम लोग कैसे जाएंगे यहाँ से? यह बर्फबारी बमबारी से कम नहीं, इतनी बर्फ और तेज हवा के बीच पैदल चलकर छात्र 1400 किलोमीटर कई घंटे तक पैदल नहीं चल सकते हैं।
रात के वक्त कहाँ रुकेंगे, कुछ खतरा हुआ तब क्या करेंगे? हम इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करते हैं तो इंडियन एम्बेसी कहती है कि भाई हम कर रहे हैं उस काम को कर रहे हैं, कब तक रहेगा ये सब, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब ठंडी भी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं स्नोफॉल हो रही है, यहाँ पे बहुत इशू हो रहा है। और 1000 बच्चों के लाइफ के साथ एक टाइप का खिलवाड़ भी हो रहा है उनके पेरेंट्स और 1000 स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ। 4 मार्च को जब सुमी में सुबह के 8 बज रहे थे तब छात्रों से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि भूख से ज्यादा ठंड भयानक होने लगी है, बिजली नहीं होने के कारण कमरे में रूम हीटर काम नहीं कर रहा। सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 2 में रहने वाली साया और अंकिता ने हमें अपना हाल भेजा है। साया और अंकिता हरियाणा की छात्रा हैं। वी डोंट नो कि हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे यहाँ पे, हमारे पास कोई सोर्स आउट नहीं है। इतनी भगदड़ मच जाती है, इतना लोग पैनिक करते हैं, कोई इट्स कम्प्लीटली अटर बिकॉज इट्स 9th डे टूडे। हम लोग वेट कर करके थक चुके हैं, वी हैव लॉस्ट एवरी होप, वी डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। पता नहीं, कुछ लोग आज ऐसी सड़कों पे निकल रहे हैं, तंजानियंस एंड एवरीबॉडी, ऐसा लगता है कि हम ही लोग रह जाएंगे लास्ट में। हमारे लिए कोई एडवाइजरी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है। इट फील्स लाइक वी गाइस आर स्टक। कल यहाँ पर एक लड़की शी वाज लाइक इन फेल्ट ऑफ लाइक बेहोश हो गई थी एंड वी हैड टू रब हर हैंड्स एंड एवरीथिंग, पीपल वर हेल्पिंग हर आउट, बट दिस इज द रियल सिचुएशन। द लाइट्स वर शट, द इंटरनेट्स वर डिसकनेक्टेड, देयर वाज नो वाटर सप्लाई। सुमी में फंसे छात्रों के माँ बाप के होश उड़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि मीडिया का ध्यान बड़ी बड़ी बातों पर है, वैसे प्रतिबंधों और परमाणु खतरे की बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आज हमने सोचा है कि ऐसे माँ बाप को तसल्ली हो सके, इसलिए हम उनके बच्चों से जुड़ी खबरों पर ही बने रहेंगे, ताकि सरकारी प्रयासों में और तत्परता आए और सुमी से भारतीय छात्र जल्दी लौट सकें। हम यहाँ पे सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो यहाँ पे अभी फंस चुके हैं वॉर के सिचुएशन में। हमें यहाँ पे इवैक्यूएशन नहीं कराया जा रहा है, हमारे आसपास के सभी खातों की और दूसरे भी सिटी से यहाँ पे इवैक्यूएशन हो चुका है, बट हमारा अभी तक कुछ भी नहीं बना है। हमारी प्रशासन से बात हो रही है बट हमारी कोई सुनी नहीं जा रही है। यहाँ पे खाने के स्टॉक सब खत्म हो चुके हैं, हम सभी स्टूडेंट यहाँ पे फंस चुके हैं। हमारी प्रशासन से निवेदन है कि हमारी बात को सुना जाए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वगैरह और एम्बेसी से हमारी किसी से भी कोई खासकर बातचीत नहीं हो पा रही है। आप हमारी बात को सुने और यहाँ पे हमारे सुमी शहर पे थोड़ा सा अटेंशन दे, ताकि हम स्टूडेंट्स यहाँ से अपने अपने घरों के लिए निकल सके। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे शहर में कोई भी मेट्रो स्टेशन या ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे हम छुप सके। यहाँ पे सारी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं जिनके नीचे हम रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं। प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस शहर की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हमारे पास वाले सिटीज खारकोप या कीव, उन पे सब बोल रहे हैं कि उनके लिए एडवाइजरीज जारी की जा रही है, बट हमारे शहर के लिए अभी तक कुछ भी नहीं आया है। यहाँ तकरीबन 700 के करीब बच्चे हैं जो अभी भी यहीं फंसे हुए हैं और यहाँ से एक भी बच्चा अभी भी इवैक्यूएट नहीं हुआ है। तो प्लीज मेरी, हम एम्बेसी से बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर से, या जितने भी हमारे पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट हैं पर्सनली, हम सबसे बात कर चुके हैं, सबने यही कहा कि आप हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्लीज होप। तो हम एक होप वर्ड के जरिए ही अभी तक यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, वी आर स्टिल होपिंग कि हमारी कोई मदद की जाए। कल यहाँ सुमी में काफी ज्यादा बम्बार्डिंग हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, बच्चे बंकर में रो रहे थे, बेहोश हो रहे थे, किसी को कुछ नहीं मालूम था आने वाला अगले घंटा में क्या होगा, सारे बच्चे परेशान थे। यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट हम 20 से 25 ईयर्स ओल्ड हैं, फर्स्ट टाइम घर से निकले हैं, घर वाले भी बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए। दिल्ली के छतरपुर एक्सटेंशन में रहने वाले हरजोत सिंह कीव शहर से निकले थे कि गोली लग गई। 27-28 फरवरी को हरजोत को गोली लगी और उसके बाद वे वहीं 5-6 घंटे तक सड़क पर ही पड़े रहे। 2 मार्च को जब होश आया तो पता चला कि एक गोली छाती में भी लगी है। हरजोत अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन वापस कीव में पहुंच गए हैं जहां से चले थे। उन्होंने बताया कि जब ट्रेन में जगह नहीं मिली तो टैक्सी से निकले और टैक्सी में बैठते ही गोलियां चलने लगी। मैं इस वक्त कीव सिटी क्लिनिकल हॉस्पिटल में हूं, जो कि सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे है वैसी के सेंट्रल में। मैंने सबको कांटेक्ट किया, एम्बेसीज में कांटेक्ट किया, एम्बेसीज वाले सर पहले ही यहाँ से मूव आउट कर चुके हैं, वो पहले ही लवी में जाके बैठ चुके हैं। मैंने पूरी हेल्प मांगी, सबसे हेल्प मांगी कि प्रोवाइड करवा दीजिए सर, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दीजिए, हॉस्पिटल से हमें उठा लिया जाए, हमें कम से कम लवीव या बॉर्डर तक कहीं तक तो हमें कुछ तो सर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए। देन उसके बाद हमसे सेम थिंग
एक रिपीट जिनसी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, सर सेम स्टोरी कम से कम 8 से 10 बार बतानी पड़ती है। लाइक नहीं नहीं हमें समझ नहीं आया वो कैसे लगी, गोली लगी, ये लगी कैसे, ऊपर से आई नीचे, सर बंदे को फ्रस्ट्रेट किया जाता है। ये 27 से 28 का नाइट का सिनेरियो था जब मेरे को गोली लगी थी। उसके बाद मेरे को 2 तारीख रात को होश आया था। मेरी माँ, आपको पता ही है, अब माँ तो माँ ही होती है, फैमिली मेरी, जब मेरी उन्होंने मेरी आवाज सुनी तो समझ सकते हो सर वो इमोशंस क्या होते हैं। सर देखो हम माँ के तो यही सर के, मैंने मम्मी को यही बोला था, मैं कहा मम्मी जब मेरे पे फायरिंग स्टार्ट हुई ना तो मैंने तो अपने वाहेगुरु से ये अरदास करी थी कि मुझे नई जिंदगी चाहिए, नई जिंदगी चाहिए, माँ के लिए चाहिए। मैं कहा मैं बच गया, मैं कहा ये जिंदगी माँ तेरे लिए है, तेरी अरदासों ने बचाया है। बिल्कुल सर, माँ को देखा, मेरे फादर साहब रो पड़े थे, मैंने अपने फादर साहब को जिंदगी में पहली बार रोते हुए देखा है। और बताइए, मैं अब नाम तो नहीं मैं लेना चाहूंगा उनका, जो हमारे यहाँ पे एम्बेसीज हैं, उन सबसे मैंने एक एक करके, जैसे हम कहते हैं ना एक लेवल होता है इनिशियल सेकंड थर्ड, मैंने सबसे बात कर ली सबसे। सर वो कहते हैं आप ऐसा करिए यहाँ से वहां तक आ जाइए, वहां से हम ये करवा देंगे, 10 लोगों की गाड़ी अब आपके लिए सर वहां थोड़ी आएगी स्पेशल। मैंने कहा सर वो जानना या कोई भी स्टेशन, मैं सिटी में हूँ, अब मैं आपसे बात करता हूँ, अगर मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन में खड़ा हूँ, आप जीके या ग्रेटर कैलाश में, अगर मैं आपको कह दूं सर मेरे को यहाँ से आके रिसीव कर लीजिए, मैं इस कंडीशन में हूँ, सर जीके से छतरपुर आना कोई कोई सर हार्ड काम नहीं होता। तो सेम सिनेरियो ये लगा लो कि जिस तरीके से मैं हूँ, इतना ही दूर बैठा हूँ। मैंने उनको बोला सर आप हॉस्पिटल में बाहर तक आ जाऊंगा, हॉस्पिटल के वहां से मेरे को रिसीव कर लो, उसके बाद आप मुझे ले चलो। हाँ जी सर, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट की सीट पे बैठे हैं सर वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। सो कहने का मतलब मेरा यही है सर, जिस कंडीशन में मैं हूं इस वक्त, कोई भी इंसान हो, कोई भी जो पॉलिटिकल कर रहे हैं, एम्बेसीज के बंदे, पॉलिटिकल बंदे, कोई भी सर, आप अपने बच्चों को इस कंडीशन में रख के देखना। तो आप अपने बच्चों को मेरे कंडीशन में रखकर देखना। हरजोत की सपील के बाद आप उस सुमी शहर की कल्पना कीजिए जो कीव से भी दूर है, जहां से निकलने का मतलब 1400 किलोमीटर पैदल चलना होगा। कैसे वहां से 700-800 बच्चे निकलेंगे इस वक्त जब हर पल तबाही किसी ना किसी रूप में आसमान से टूट रही है। आखिर कैसे मुमकिन है कि प्रधानमंत्री वाराणसी एयरपोर्ट पर बैठकर बच्चों से बात कर रहे हैं? क्या यह बताने के लिए कि सब कुछ सामान्य हो चुका है? जो बच्चे खुद से यूक्रेन के भीतर से निकलकर सीमाओं पर पहुंचे हैं उनसे शुक्रिया कहलवाने के लिए यह सब हो रहा है? अगर यूक्रेन के भीतर से ही भारत सरकार निकाल रही है तब सुमी में छात्र अभी तक क्यों फंसे हैं? इतने परेशान हाल में भी किसी बच्चे ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा जिससे सरकार को बात चुभ जाए कि इतना काम हो रहा है, किसी ने नाम नहीं लिया। लेकिन जब हजारों छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हों, इस तरह के प्रचार से बचना चाहिए था। इस अखबार की ये हेडलाइन देखिए, इसमें क्या लिखा है पढ़िए। लिखा है, छात्रों ने मोदी से कहा भगवान के बाद आपका भरोसा। बस भगवान ही घोषित करना बाकी रह गया है, वो भी हो जाएगा, प्रयास कम प्रचार ज्यादा। इन सब तस्वीरों और खबरों से भरी दुनिया में सुमी में फंसे छात्रों की दहशतों की क्या जगह हो सकती है? खबरों में सरकार के कसीदे कसे जा रहे हैं, इस उत्साह में कुछ ऐसी खबरें भी छप जा रही हैं जिनका वास्तविकता से संबंध नहीं। युद्ध में ऐसा हो जाता है, तब यह जिम्मेदारी सरकार की होती है कि वह सूचनाओं को सही करे। अखबारों में कुछ ऐसी भी खबरें छप रही हैं कि भारत के कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर रूस ने खार्किव में 6 घंटे के लिए बम बरसाने बंद कर दिए। क्या किसी ने ध्यान दिया कि रूस इतनी मेहरबानी कर ही रहा है?
तो फिर सूमी में बमबारी क्यों नहीं बंद कर रहा? 3 मार्च के अमर उजाला की हेडलाइन देखिए, लिखा है भारत की ताकत भारतीयों को निकालने के लिए खारकीव में 6 घंटे तक रोके हमले, रूस ने जंग रोक कर दिया मौका। 3 मार्च को पत्रिका अखबार में खबर छपती है कि रूस युद्ध रोकने को तैयार हो गया है। रूस ने सिर्फ 6 घंटे के लिए ही युद्ध रोकने की सहमति जताई है। युद्ध रोकने की बड़ी वजह भारत है। पत्रिका ने लिखा है कि दरअसल पीएम मोदी ने बुधवार देर रात रूसी राष्ट्रपति से बातचीत की और भारतीयों को सुरक्षित निकालने को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री की बातचीत के बाद विदेश मंत्रालय ने जब 2 मार्च को प्रेस रिलीज जारी की उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। इतना ही लिखा था कि दोनों नेताओं ने भारतीय नागरिकों के निकाले जाने को लेकर बात की, लेकिन सबने अपनी अपनी तरफ से कुछ और जोड़ दिया। ऑर्गेनाइजर वीकली ने भी 6 घंटे तक युद्ध रोकने वाली खबर को ट्वीट कर दिया। उस दिन कुछ और पत्रकारों ने भी ट्वीट किया, अगर समय रहते विदेश मंत्रालय खंडन कर देता या पीआईबी का फैक्ट चेक खंडन कर देता तो शायद इसकी नौबत नहीं आती। क्या इन खबरों को इसलिए संदेह का लाभ दिया गया क्योंकि इनसे हिंदी के पाठकों के बीच हवा बनती है कि भारत विश्वगुरु बन गया है, भारत की वजह से रूस बम ब्रेक ले रहा है, जैसे हम प्राइम टाइम में ब्रेक लेते हैं वैसे पुतिन साहब बम ब्रेक ले रहे हैं। क्या सरकार को तुरंत इसका खंडन नहीं करना चाहिए था? क्या हम झूठ का सहारा लेकर सुपर पावर बन रहे हैं? किसे धोखा दे रहे हैं? क्या ये अखबार अपनी वेबसाइट से इन खबरों को हटाएंगे, अगले दिन स्पष्टीकरण छापेंगे कि यह खबर गलत थी? 2 मार्च को दूतावास ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें बम रोकने की बात कहीं नहीं लिखी है। मैं अगर प्राइम टाइम में बोलने में प्रतिशत की गलती कर दूं, जबान फिसल जाए, 23 का 24 हो जाए तो नोटिस आ जाता है, रवीश बाबू जवाब दीजिए। लेकिन ऐसी बेबुनियाद खबरें छपती जा रही हैं उनका तो खंडन किया जा सकता था, लेकिन वेबसाइट से भी हटाने के आदेश नहीं आए हैं। खंडन तब किया जाता है जब सुहासिनी साफ साफ सवाल करती हैं। आई एम आस्किंग दिस बिकॉज वी हैव सीन इनफ रिपोर्ट्स टुडे that suggest that Russia held off bombing Kharkiv in order to allow Indian citizens to leave. So we'd like a little more clarity. So I think that's a kind of conversation, but extrapolating that to say that somebody is holding off bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think If I could be more facetious, then it'll extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. PM Modi के कहने पर पुतिन ने युद्ध नहीं रोका था। क्या युद्ध रोकने की खबर कोई मामूली खबर थी? ऐसा अगर हो जाता तो दुनिया भर की पहली हेडलाइन यही बनती। युद्ध रुकवा देने की बात पर संयुक्त राष्ट्र में तालियां बजने लगती। यह खबर एक अखबार ने गलती से नहीं छापी बल्कि कईयों ने इसे छापा, शायद दिखाया भी गया होगा। You also had some query on Axios. I saw that media story. It's a media story out of somewhere. It's got nothing to do with us, actually. It's some cable which is sent, some cable which is taken back. I haven't seen that cable. I don't know what to comment on it. It's an internal story, so I don't like to say anything on that. प्रचार करना गलत नहीं है, लेकिन फर्जीवाड़े का सहारा लेकर प्रचार गलत होता है। आपको आइसक्रीम के नाम पर कोई कप में चूना परोस दे, चूना, तो कैसा लगेगा? चूना काट लेगा कि नहीं? इसके बाद भी कहा जा रहा है कि बमबारी रोकने की बात पर यकीन करना चाहिए क्योंकि सुषमा स्वराज ने यमन के युद्ध में सभी पक्षों से बात कर 2 घंटे के लिए जंग रुकवा दी थी। अजीब हाल है। तब तो सवाल यह बनता है कि सुषमा स्वराज ने तो झूठ का सहारा नहीं लिया, अब क्यों लिया जा रहा है? सुषमा स्वराज ने जो किया था उतना ही बताया, लेकिन यहां तो जो किया ही नहीं गया है वो छापा गया है और उसे सही बताने के लिए सुषमा स्वराज का हवाला दिया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के ट्विटर हैंडल पर छात्रों ने लिखा है कि खारकीव नेशनल यूनिवर्सिटी के 800 छात्र खारकीव से 14 किलोमीटर दूर पेसोचिन में बेहद मुश्किल हालात में फंसे हैं, कृपया मदद करें। वे मुश्किल हालात क्या हैं इसकी चर्चा कम है, किसी को परवाह नहीं है। ज्यादा इसकी हो रही है चर्चा कि सब प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं। 3 मार्च के टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर खबर छपती है रूसी सेना के एक उच्च अधिकारी के हवाले से कि रूस की सीमा से सटे शहर बेलगोरोद में रूस की 130 बसें खड़ी हैं जिनसे खारकीव और सूमी शहर में फंसे भारतीय नागरिकों और अन्य देशों के नागरिकों को निकाला जाएगा।
यही खबर 4 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर है, लेकिन 4 मार्च के दोपहर तक इस मामले में किसी को पता नहीं, कोई प्रगति नहीं। इंडियन एक्सप्रेस ने भी लिखा है कि इस दावे पर भारत सरकार ने भी कोई सफाई नहीं दी है कि हां ऐसी बात है। सुमी में छात्र सरकार और रूस से जान बचाने की गुहार करते रहे। अखबारों में लिखा है कि रूस के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के प्रमुख मिखेल मिजिनत्सवे ने ऐसा बयान दिया है। ऐसी सूचनाएं छात्रों के लिए बहुत घातक हो सकती हैं। छात्र वाकई समझ रहे हैं कि रूस की सीमा के भीतर 130 बसें उनका इंतजार कर रही हैं। वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट हम लोगों की हेल्प करेगी, बट अभी तक गवर्नमेंट का अभी तक हम लोगों के लिए कुछ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कुछ कह रहे हैं बसेस खड़ी हुई है, बट बसेस खड़ी करने से नहीं होगी। रशियन बॉर्डर पे, रशिया बॉर्डर ही हम लोग के सिर्फ करीब है। यहाँ से 20 से 25 मिनट टाइम लगेगा रशिया बॉर्डर पहुंचने में, बट रशिया बॉर्डर पे खड़ी करने से नहीं होगी। हम लोग सुमी में फंसे हुए हैं, जो कि यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर है रशिया बॉर्डर, और यहाँ से जाने में 20 से 25 मिनट लगेगा। और यहाँ से हम लोग जाएंगे, होस्टल से निकलेंगे, चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, हर तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, कहीं शूट हो जाए, कहीं अटैक हो जाए। देयर आर द स्टोरीज गोइंग अराउंड, मीडिया रिपोर्ट्स, आई थिंक आल्सो समथिंग फ्रॉम द रशियन साइड, दैट देयर आर सम बसेस रेडी, सम 130 बसेस, वन ऑफ यू मेंशन, वी हैव सीन दिस, आई मीन वी आर आल्सो अवेयर ऑफ इट, बट लेट मी एम्फसाइज एंड मेक अ लार्जर पॉइंट। What I understand is that these buses are actually, let me figure out, I have some data here on this one. I think these buses are actually 50-60 kilometers away from where the students are. They are frankly too far away, you know, for them to just walk and take it. This is a conflict zone, and we don't see a safe and secure way to reach them. हंगरी की सीमा से यूक्रेन के चौप के स्टेशन तक ट्रेन चल रही है। 10 मिनट का रास्ता है। यह ट्रेन हंगरी की सरकार मुफ्त में चलवा रही है। इस ट्रेन से अपने रिस्क पर भारत के नीरज त्यागी चौप स्टेशन चले गए, क्योंकि वहां यूक्रेन के इमिग्रेशन के अधिकारी छात्रों को मुश्किलें कर रहे थे। कम से कम नीरज त्यागी चले तो गए। इसके बाद इन छात्रों को बुडापेस्ट की ट्रेन में बिठाने में भी उन्होंने मदद की। ये देखिए, ये यूक्रेन से आने वाले एकदम ट्रेन गई है, तो जनता का जनता आया। हम लोग इंडियन फ्लैग लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं इंडियंस को देखने के लिए। और ये ट्रेन, ये बुडापेस्ट, यहाँ जाहोने बॉर्डर से बुडापेस्ट जाने के लिए ये ट्रेन खड़ी हुई है। उसके बाद यहाँ जैसे ही आएंगे, कुछ खाना खिलाकर उन्हें थोड़ा रेस्ट कराकर उन्हें बुडापेस्ट भेजा जाएगा। हर 2 घंटे में ट्रेन यहाँ से चल रही है। ये इतने लोग अभी इस ट्रेन से यहाँ से आए हैं, और उसके बाद यहाँ से लोग बुडापेस्ट जाएंगे। ये ट्रेन आप देख रहे हैं, ये यहाँ से हमारे सारे जितने भी लोग यूक्रेन से आए हैं उन्हें लेकर बुडापेस्ट जाएगी। देखिए, इस वाली ट्रेन में हम करीब 100 बच्चों को यहाँ से बुडापेस्ट भेज रहे हैं, और ये 100 बच्चे सुबह से हम यहाँ लगे हुए थे, और अभी 4 बजे हुए हैं हंगरी में, और इन लोगों का बुडापेस्ट भेज रहे हैं। बुडापेस्ट के बाद इंडियन एम्बेसी इनका ध्यान रखेगी, तो उसके बाद जो इंडियन एम्बेसी इन्हें और भारतीय सरकार इन्हें लेकर जाएगी। करीब 100 बच्चे हैं, खारकीव से और यूक्रेन के विभिन्न विभिन्न शहरों से आए हैं और डरे हुए हैं। ये सारे इंडियन हैं जो यहाँ से जहोने बॉर्डर से अब बुडापेस्ट की तरफ भेजे जा रहे हैं। इन्हें हम यूक्रेन से यहाँ लेकर आए। ये बच्चे 22 बच्चे थे यहाँ फंसे हुए। खुश हो? सब लोग आ गए आप लोग? बाय बाय, हैप्पी जर्नी। क्या नाम है आपका, बताइए? मेरा नाम आनंद है। आनंद, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? भैया हम खारकीव से आ रहे हैं। क्या क्या माहौल है वहाँ पर? भैया हालात बहुत ही खराब है। कितने बच्चे अभी बचे हुए हैं उधर? लगभग भैया मेरे ख्याल से अभी वहाँ पे भैया 800-1000 बच्चे होंगे। ओके, वो है। तो आप खारकीव में जहाँ थे वहाँ से आप कैसे आए यहाँ तक? भैया खुद से ही, भैया हम लोग वहाँ से जहाँ से भी रहते थे वहाँ से भैया हम लोग पैदल पहुँचे हैं किसी तरीके वग्जाल पे। ओके, वग्जाल से भैया फिर हमने ट्रेन पकड़ी है, फिर ट्रेन से भैया हमको लगभग
30 से 40 घंटे लगे भैया लिविव पहुंचने के लिए। भैया फिर लिविव जब हम पहुंचे हैं वहां पर भी हमको किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिली किसी की तरफ से। हमने भैया खुद ही अपनी टैक्सी बुक कराई। हमने भैया लिविव से ये क्या नाम है भैया जगह का, ये चौब बॉर्डर पे आए आप। चौब बॉर्डर पे भैया, चौब बॉर्डर पे हमको भैया 80 to 90,000 की हमने कैब बुक करी है। तो खारगी में जब आप लोग थे तब वहाँ शेल बॉम्बारिंग और ऊंचे मत वहाँ, तो कई बार तो हम लोग खुद ही अपने हमारे साथ आंखों के सामने हादसा हुआ। मेरे खुद के साथ हादसा होने से बच गया। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ भैया जब मैं वगजाल के लिए जा रहा था तो भैया जब डेस्क रूम जो सेंटर है वहाँ पे जब बॉम्बार्डिंग हुई थी वहीं पे भैया कुछ एशियन ट्रूप्स ने मेरे ऊपर गन रख दी थी। और फिर मेरे को दोनों को समझ में नहीं आया कि मैं क्या रिएक्ट करूँ। मेरा फ्रेंड था मेरे साथ में, उसने बोला कि आई एम इंडियन। तो उसके बाद वो बंदा थोड़ा ठहरा सहमा, उसके बाद फिर वहाँ से हम किसी तरीके से भाग के। तो कब चले आप खारकी से? 28 को निकले थे। 28 को, आज 3 तारीख। हाँ भैया, 5 दिन में आप यहाँ पहुँचे हैं। यस भैया, 5 दिन में पहुँचे और अभी भी हम बुदापेस्ट भी नहीं पहुँचे। लेकिन यूक्रेन में आपको कोई सहायता नहीं मिल पा रही है? किसी तरीके की भैया कोई हेल्प नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा हमें किसी ने नहीं बचाया। जो लोग क्रेडिट दे रहे हैं कि गवर्नमेंट ये कर रही है गवर्नमेंट वो कर रही है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है भैया। सच यूक्रेन में, हाँ सच तो ये है कि भैया हमने खुद को अपने आप को बचाया, हमें किसी ने नहीं बचाया। अच्छा सच में बताइएगा, क्या लग रहा था ऐसा कि नहीं पहुंच पाएंगे यहाँ? या नहीं, ये तो लगा ही नहीं हम कि यहाँ पहुंच पाएंगे। तो हम पहुंचे जिंदा हो तो एक्चुअली आज तक हमने WW1 WW2 सिर्फ बुक्स में पढ़ी है, लेकिन अपने आप के टाइम पे हम WW3 देख के आए हैं। ठीक है, जो अभी चल रहा है WW3। ओके, बट खुश हैं, अब आ गए हैं, पहुंच जाएंगे। भारत सरकार से अपील है कि सुमी में फंसे छात्रों पर ध्यान दे। जो छात्र यूक्रेन से अपने दम पर बाहर आए जान जोखिम में डालकर लाखों रुपए देकर, उन्हें भी लाना चाहिए, वो आ भी जाएंगे। लेकिन जो यूक्रेन के भीतर फंस गए हैं पेसोचीन में सुमी में, उन छात्रों को लेकर हम एक मिनट की देरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक ले सकते हैं। के हमले को लेकर यूक्रेन आए दिन अपने परमाणु संसाधनों पर रूसी कब्जे और हमले के आरोप लगा रहा है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और यह खतरा कितना वास्तविक, आलोक पांडे बता रहे हैं। यूक्रेन के प्रमुख न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगी आग की डरावनी तस्वीरें। यह हमला, जो शायद किसी भी सेना का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर पहला हमला है, उससे ये डर पैदा हुआ कि इसकी रेडियोधर्मी तरंगे रिसने से तबाही फैल जाएगी। ये वीडियो इंस्टाग्राम पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के आधिकारिक अकाउंट से जारी हुआ, जिसमें रात के अंधेरे में धमाकों की रोशनी और धुएं के बादल दिखाई दे रहे हैं। जब यह हमला हो रहा था तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर जाकर खबरदार किया कि अगर चढ़ाई के दौरान यूक्रेन के 15 परमाणु रिएक्टरों में से एक को भी नुकसान पहुंचा तो परमाणु तबाही आ सकती है। Європа зараз повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готували. बाद में पता चला कि वीडियो में दिखने वाली आग प्लांट की एक ट्रेनिंग परिसर में लगी थी, जो बुझा दी गई है, और प्लांट से रेडियोधर्मी तरंगों में कोई तब्दीली दर्ज नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय एटमी ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि पावर प्लांट की सभी 6 न्यूक्लियर इकाइयों में सुरक्षा के सभी इंतजाम हैं और वहां से कोई रेडिएशन नहीं हुआ। द फिजिकल इंटेग्रिटी ऑफ द प्लांट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड विद व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। So, we of course are fortunate that there was no release of radiation and that the integrity of the reactors in themselves was not compromised, but yes, the plant in a wider sense. विश्व के दूसरे नेताओं ने भी हमले की निंदा की है।
You mentioned the reports of active shelling of nuclear sites in Ukraine. That just seems to me to absolutely reinforce the complete breach of any aspects of international law and all aspects of international law that apply here, of the UN Charter, and to reinforce the unlawful behaviour that that President Putin is engaged in. फिलहाल इस घटना पर रूस ने कुछ भी नहीं कहा है। आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।